क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है फॉर ऑल वेल सॉरी फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन जीरो एंड फाइव विच सेटिस्फाई द इक्वेशन कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर. कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर. चलो कॉस फॉर्मूला लग रहा है, देखिए क्या रियलाइज हो रहा है. कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? टू कॉस ए कॉस बी. टू नहीं है, टू तो खुद से आ जाता है, किन्हीं भी दो में लगा सकते हैं. यूजली एवरेज बीच में होता है तो यूजली कॉर्नर में लगा लेते हैं, बट ऐसा नहीं कि कॉर्नर में नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा आंसर, बट इससे यूजली सिंप्लीफाइड आंसर आ जाता है. टू की कमी है तो वन बाई टू डिवाइड किया और वन बाई टू मल्टीप्लाई किया. टू कॉस ए कॉस बी फॉर्मूला याद है? बताओ मनन, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी. ये तो स्कूल में भी आ रहा है, कब याद होगा? तो भूल क्यों गए? काम नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे. टू कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और बाहर कॉस टू थीटा तो यही है इज इक्वल टू वन बाई फोर. चाहो तो ये कैंसिल कर दो टू और फोर, अभी मल्टीप्लाई कर दो ये क्या आ जाएगा, कॉस फोर थीटा इंटू कॉस टू थीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर टू थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू. क्या यहां पर फिर से लग जाएगा टू कॉस ए कॉस बी? फिर से लगा दो भाई, टू कॉस ए कॉस बी, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो टू कॉस ए कॉस बी हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. और देखो याद रखो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर है तो ठीक है, उसके सोल्यूशन हमें आते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या कॉस में हो या टैन में हो, अदरवाइज स्क्वायर को हम अवॉइड करते हैं. क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कॉस को डिग्री टू से डिग्री वन में ले जाता है, या वन से टू में ले जाना हो, कोई फॉर्मूला है जिसमें कॉस का डिग्री टू भी होता है डिग्री वन भी होता है? कॉस टू थीटा, वेरी गुड. तो हमेशा डिग्री टू को अगर वन में ले जाना है कॉस को, तो कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है. कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वो फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू. ठीक है, पूरे में ही देखो वन बाई टू कॉमन है तो कैंसिल कर देते हैं लेफ्ट और राइट से. नाउ हमारे पास बचा कॉस सिक्स थीटा. कॉस टू थीटा दो बार आ गया देखो, प्लस टू कॉस टू थीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन, वन से वन कैंसिल, और अब एक नॉर्मल सी इक्वेशन आ गई है कॉस सिक्स थीटा कॉस टू. ठीक लग रहा है ना सब कुछ? एक बार जस्ट सिंपली वेरीफाई कर लो कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है. यहां से आना एक बार कॉस टू थीटा ये और एक बार ये, तो दो बार आ गया ना. हाँ मैंने इन पहले स्टेप में बोल लो दूसरे में यहाँ पर मैंने इनमें और दो. हाँ अच्छा हाँ तो टू थीटा ही तो लिखा है. अच्छा कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं ना,
एक टू कैंसिल हो गया, इधर टू से किया, ठीक है ठीक है। ठीक ही लग रहा है सब। जो हो गया cos 6 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम हाँ cos 4 थीटा होना चाहिए ना, ठीक है। देखो एक गलती यहाँ पर मालूम चली, cos स्क्वायर में ये हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, तो कॉस थीटा को लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहां पर हम लिख रहे हैं कॉस 4 थीटा को, और पूरा ही बदल जाएगा। तो कॉस 2 थीटा है तो हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो 2 थीटा का डबल वाले में 4 थीटा बनेगा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 तो कैंसिल हो ही रहा था और दोनों तरफ से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा ये cos 6 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 0। बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया क्या? चलो इन दोनों में लगा दें कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी अर्पित। टू से शुरू किया करो ना, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, तो 5 थीटा कॉस ए माइनस बी बाई टू थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। 6 4 2 कुछ गलती अभी भी लग रही है मुझे यार। हाँ कुछ गलती अभी भी लग रही है। 2 cos a + b / 2 5 theta cos theta cos 2 theta। अच्छा, ऑर्डर में नहीं लिखा है ना ये cos a plus b, इसमें लगाते हैं ना, 6 और 2 में लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो कॉमन बन जाएगा, तो मैं बता रहा था पहले भी 6 4 2 है ना। अगर 6 और 2 में लगाओगे cos a plus cos b, तो जब अबाउट बाई टू करके cos 4 थीटा आ जाएगा, तो वो कॉमन आ जाएगा, सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो 2 cos a + b / 2 4 थीटा इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये फाइनल फैक्टराइज हो गया, कॉस 4 थीटा कॉमन ले लिया जाए, ब्रैकेट में जा 2 cos 2 थीटा + 1 इज इक्वल टू 0। दो सॉल्यूशन, एक कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 0, तो 4 थीटा क्या आ जाएगा, 2n + 1 π/2, और थीटा आ जाएगा 2n + 1 π/8। दूसरा सोल्यूशन, 2 cos 2 θ + 1 इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स अस cos 2 θ इज इक्वल टू -1/2। -1/2 cos किस एंगल पे आता है, हाँ 120, 2π/3। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का सोल्यूशन, 2 θ इज इक्वल टू 2n π + -α। वेरी गुड, कुछ
कुछ लोग पढ़ रहे हैं। और यहां से एक और सोल्यूशन मिल गया, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। क्या पूछा गया, जनरल सोल्यूशन या कोई? तो जनरल तो यही आ गए, देख लो एक बार आंसर क्या। अरे जीरो, अब मैं पूछ रहा था जनरल बोल रहा था कोई, जीरो से पाई के बीच की वैल्यू देखनी है तो वैल्यू डालना शुरू करो, n इज इक्वल टू जीरो डालेंगे तो एक वैल्यू पाई बाई एट आ गई, एक वैल्यू पाई बाई एट आ गई। फिर n इज इक्वल टू वन डालेंगे तो थ्री पाई बाई एट, ये भी पाई से छोटा है। फिर n इज इक्वल टू टू डाल दोगे तो फाइव पाई बाई एट, ये भी चलेगा। थ्री डाल दोगे तो सेवन पाई बाई एट, चार वैल्यूज तो यहाँ आ गई। इसके बाद बड़ा हो जाएगा पाई से, ऐसे ही वहां पे डालो, जीरो डालोगे तो पाई बाई थ्री, माइनस पाई बाई थ्री नहीं लेंगे, वन डालोगे तो पाई प्लस पाई बाई थ्री ज्यादा हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री। माइनस वन डालने का कोई फायदा नहीं है, और क्या वैल्यू तो नहीं लग रही ना, दो वैल्यू यहां से मिलनी, चार वैल्यू वहां से मिलनी, देखो छह वैल्यूज आ रही है क्या। यही छह आ रही है, पाई बाई एट, थ्री पाई बाई एट, ठीक है मैच कर रहा है। आ गई बात समझ में, किसी का आ गया था खुद से? मैं तो तुझे बता तो रहे थे भटके हुए थे, तुमने किसी और मेथड से किया था? ठीक है हो गया जो हो गया। नोट कर लिया ये, चार छ आठ नौ ग्यारह बारह ऑनलाइन है, चार लोग सोलह, एब्सेंट कौन है? ध्रुव, श्रेया, हाँ श्रेया का तो पापा का फोन, श्रेया तो ऑनलाइन बैठा हुआ है। कितने क्वेश्चन हुए थे शोविल? क्या नाम? शोविल नाम है ना, शोविक है, शोविल नाम। कितने क्वेश्चन हो गए थे? सेवन, थर्टीन, दो क्वेश्चन हो गए थे, वेरी नाइस। अरे कितना कॉपी करोगे, हिंट हिंट कॉपी किया करो, खुद से किया करो। अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स को इजी लग रहा है या नहीं है, लेट्स सी। कह रहा है डिटरमिन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स विच सैटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन में रूट वगैरह लगा है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि रूट वगैरह होता है तो हमें ध्यान रखना होता है कि रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, डिनोमिनेटर होता है तो उसमें जीरो ना आए, कुछ इन बातों का स्पेशल ध्यान रखना होता है, जनरली क्वेश्चन करते वक्त हम भूल जाते हैं। तो कह रहा है रूट वन प्लस साइन टू एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, सॉरी रूट टू कॉस थ्री एक्स। किसी ने कर लिया इस क्वेश्चन को? कोई नहीं कर पाया, चलो अभी ट्राई करो। क्या करना चाहिए, स्क्वायर कर दें दोनों साइड, स्क्वायर करने से क्या हो जाता है यूजली, एक्स्ट्रा रूट भी आ सकते हैं, तो इसमें लास्ट में ट्राई जरूर कर लेना जो भी रूट आए, वेरीफाई करके एक बार। स्क्वायर किया तो वन प्लस साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थ्री एक्स, ठीक है। इसके बाद से क्या फायदा, क्या बताओ, कौन बोल रहा है बताओ तो, कुछ खुद के बहुत
3x का फॉर्मूला आज ही सिखाया है, कुछ अभी सिखाया है पिछले क्वेश्चन में। तेज बोलो, पता नहीं बोलो बस गलत बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे थे बोलो? नहीं हाँ, अभी तो बताया था कि डिग्री टू अगर दोनों तरफ ना हो तो हम कोशिश करते हैं डिग्री वन में कन्वर्ट करने की, और कॉस के लिए स्पेशली पॉसिबल है, साइन के लिए भी पॉसिबल है। कॉस 2x का एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर वाला होता है, 1 - 2 sin²x, तो डिग्री टू को डिग्री वन में लाया जा सकता है। एक बात और अभी यूज नहीं करेंगे, ये देख के कुछ याद आया, क्या है ये? क्या है ये? कितनी बार बता चुका हूं मैं, याद कर रहे हो कहा हुआ है, दिख नहीं रहा है क्या ये? वेरी नाइस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ये, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 sin x cos x, याद रखो बार बार बताया जा रहा है। खैर यहाँ डिग्री टू से डिग्री वन में ले जाते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये 2 cos² x हो जाएगा 1 + cos 6x, 1 से 1 कैंसिल और हमारे पास दोनों लीनियर आ गए, sin 2x = cos 6x। अभी हमें लगा कि अरे यार अगर दोनों तरफ cos होता या दोनों तरफ साइन होता तो बात बन जाती, क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है कि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें? अभी कॉस तो रहेगा ही, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें, क्लास 10th वाले बच्चे कर सकते हैं। याद आया कुछ? साइन सी रहा हो, कॉस 90 मैंने सीधा लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ कॉस आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, सोल्यूशन क्या हो गया? तो 2x हो जाएगा, तो पाई बाई 2 - 2x, थीटा इज इक्वल टू 2nπ ±, देखो ये समझ लो क्या लिखा है, ये थीटा है ये अल्फा है, दैट्स इट, 2nπ ±6x। अभी देखो थोड़ी सी इशू ये हो गया कि प्लस माइनस साथ x भी आ गया, दो केस चाहो तो बना लो, वैसे तो मैं लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछिए पुट करके निकालना है, बट चल दो केस बना लेते हैं। पहला केस जब प्लस वाला ले रहे हैं, प्लस वाला लोगे तो ये आ जाएगा 8x = π/2 - 2nπ, और x की वैल्यू आ गई π/16 - nπ/4। एक सोल्यूशन जब नेगेटिव लेंगे -6x, दूसरा केस तो ये आ जाएगा 4x = 2nπ, तो ये आ जाएगा nπ/2। नॉर्मली सॉल्व करने कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं मैं, और π/8। इस तरह से दो सोल्यूशन मिल जाएंगे। अभी हमारा पर्पस क्या है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स क्या पॉसिबल है, यहाँ देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स क्या पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो एन इज इक्वल टू 0 डाला जाए तो π/16 आ गया एक सोल्यूशन, एन इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, देखो π/4 π/16 से बड़ा होता है, तो अगर एन की वैल्यू बड़े डालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, और अगर n की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो फिर नेगेटिव आने लगेगी वैल्यू, वो भी हमें नहीं चाहिए, सॉरी पॉजिटिव बड़े पॉजिटिव आने लगे, अगर n की वैल्यू जैसे -1 डाल दिया तो क्या आ जाएगा π/16 + π/4, इससे बड़ा ही आएगा, तो इस सोल्यूशन के हिसाब से सबसे छोटी वैल्यू ये आ रही है, स्मॉलेस्ट चाहिए, ये मिल गई, हो सकता है इसमें और भी छोटी हो तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ डालना शुरू करो, n की वैल्यू 0 डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, नहीं चाहिए नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालोगे नेगेटिव ही आएगा, नहीं चाहिए, 1 डालोगे तो π/2 - π/8 आ जाएगा 3π/8, और उसके बाद जितनी भी बढ़ाते जाओगे इन की वैल्यू क्या पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट, तो उससे और बड़ी तो नहीं चाहिए, इन दोनों में छोटा कौन, तो यही है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी।
देख लो एक बार आंसर, ठीक है कर रहा है। आप पहले एंडिंग डेट बताना तुम लोग अपनी, एंडिंग डेट बता दो। 28। चलो मैंने पढ़ाई रुकेगी नहीं, नॉर्मल चलेगी, एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन अक्टूबर से बहुत पेस में चलना है अपने को। 11th खत्म होगा फिर मालूम नहीं चलेगा 12th कब निकल गया। इस साल ही हमें ज्यादा सिलेबस कवर करना है, क्योंकि 11th में इतना लोड नहीं होता है स्कूल का। ठीक, कम नंबर आ गए कोई दिक्कत नहीं, फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड में तो नहीं कर सकते ऐसा। तो 12th में ये सब नहीं मिलेगा जो अभी मिल रहा है। अभी हाफ ईयरली में भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना समझाया था कि स्कूल पे इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन तुम लोग सुनने को तैयार नहीं हो, एक टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन चलो अब कर दिया है तो कर दिया है, सितंबर के बाद सब लोग एकदम 24/7 लग जाएंगे इसमें। अगला डाउट, सिक्स के बाद सेवेंथ, सेवेंथ थोड़ा इजी सा लग रहा है देखने में, हुआ गया सेवेंथ देख के लग रहा हो जाएगा। हुआ कॉपी पे हुआ है मारा, तुम्हें तो कह रहा हूँ किसी और का आया आंसर। कह रहा है कि जनरल सोल्यूशन बताना है, नहीं सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है, साइन एक्स माइनस साइन 3x प्लस साइन 5x, और आई थिंक दूसरी तरफ सेम चीजें कॉस में है, कॉस एक्स माइनस कॉस 3x प्लस कॉस 5x। तो पता ही है इन दोनों में लगा दें साइन ए प्लस साइन बी, बताओ प्रियांश फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी, ऊपर साइन ए प्लस साइन बी, इतना टाइम लगेगा? नहीं, ये तो बहुत मक्कारी है। शामिल साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी बाई टू एंड कॉस ए माइनस बी बाई टू, तो टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, 2x बचेगा माइनस साइन 3x, और राइट साइड में कॉस ए प्लस कॉस बी, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस कॉस 3x। देखो साइन 3x कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट में, टू कॉस 2x माइनस 1, और यहां भी कॉस 3x कॉमन, बचा टू कॉस 2x माइनस 1। अनुष्का ये कैसे नहीं हुआ, किया था कट जाएगा, कौन बोला क्यों तो नहीं कटेगा? हाँ कट जाएगा, नहीं ये कॉमन ले लो एक तरह से, टू कॉस 2x माइनस 1 कॉमन लिया, क्या बचा साइन 3x माइनस कॉस 3x, और मानो तो काट जाएगा करो, उसको बाद में जीरो लिख दिया करो साइड में, ये सोल्यूशन है इज इक्वल टू जीरो, बात एक ही है, दो सोल्यूशन मिल गए, कॉस 2x इज इक्वल टू 1/2 बहुत इजी सोल्यूशन, और दूसरा सोल्यूशन साइन 3x इज इक्वल टू कॉस 3x, दैट मीन्स साइन 3x इज इक्वल टू कॉस 3x क्या बनेगा आगे, टेंथ क्लास में हो तुम,
साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स, ये कौन सा फॉर्मूला है? वो हो सकता है बट और भी इजी चीज है, कोई देख ही नहीं पा रहा है वो, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ शायद इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये कौन सा फॉर्मूला है? साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स, डिवाइड करो ना भैया, फिर टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू वन, कॉस थ्री एक्स नीचे आ जाएगा ना डिवाइड होके, ये तो बच्चों वाला है। जनरल सोल्यूशन आएगा ना, 45 इज वन ऑफ द सोल्यूशन, बट वो जनरल सोल्यूशन थोड़े ना है, एन पाई के साथ होता है ना, कर लेंगे दोनों सॉल्व, जनरली पूछा गया है शायद, क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है, तो एक तो 45 हो गया, 45 नहीं हुआ 15 हुआ भाई, 3 भी होगा ना, 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4, चलो निकाल ही लेते हैं, tan 3x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 आ गया, जनरल सोल्यूशन बताओ। वैसे तो ये ग्राफ से भी सोच सकते हो, tan 3x इज इक्वल टू 1, कहाँ कहाँ होता है 1, tan पाई बाई 4, ज्यादा नहीं सोचना है, पाई पाई का इसमें पाई का पीरियड होता है ना, प्लस पाई कर दो, पाई पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4, 13 पाई बाई 4, 17 पाई बाई 4, क्या हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन से बाहर तो नहीं निकल गए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ तक लेते हैं? बढ़िया, तो 4 पाई हो गया, छोड़ दिया जाए इसको, ये सॉल्यूशन आएंगे नहीं आएंगे? 2 पाई से बाहर चले गए, आएंगे नहीं आएंगे? ये 3x आ रहा है, x नहीं आ रहा, बाई 3 भी तो होंगे, ये भी 3x की वैल्यू ना, हमें x की वैल्यू 2 पाई के अंदर रखनी है, ये आएगा नीचे तो आएगा 17 पाई बाई 12, अभी है 2 पाई के अंदर, अगला 21 पाई बाई 4, इसमें बाई 3 करोगे तो ये भी 2 पाई के अंदर है, 25 पाई बाई 4, ये 2 पाई के बाहर चला जाएगा, ठीक है? तो इतने सोल्यूशन आ गए प्रिंसिपल, ऐसे ही cos 2x = 1 / 2, ऐसे बताओ सोच के, 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3, अब इसका भी पीरियड पाई का होता है क्या? फिर कॉस पहले क्वाड्रेंट में तो 1 बाई 2 एक बार लिया, फिर पूरा नेगेटिव है, सेकंड में भी नहीं लेगा, थर्ड में भी लेकिन फोर्थ में लेगा, क्या एंगल हो गया वो? क्या बोलो, शायद सही बोल रहे हो, सही तो बोल रहे हो, 7 पाई बाई 3, नहीं सही नहीं बोल रहे हो, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई पाई बाई 3 होगा वो एंगल, अगला 7 पाई बाई 3 होगा लेकिन अगला वाला, अगला अब तो एक चक्कर लग गया है पूरा, देखो यहां तक पहला चक्कर लग गया है, 2 पाई ऐड करते जाओ, एक सर्कल में अगर आंसर निकाल लेंगे फिर तो 2 पाई ऐड करते जाओ, सब में आ जाएगा, इसमें 2 पाई ऐड किया है, इसमें 2 पाई ऐड करोगे तो 11 पाई बाई 3 आ जाएगा, क्या भी है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये, क्या निकल गया है बाहर? 11 पाई बाई 3 तो 3 बाई 2 होना है, ध्यान रखो, अगला क्या आ जाएगा 15 पाई बाई 3, वो शायद निकल गया है, निकल गया है, बाई 2 इधर आ जाएगा तो 4 ये और 6 वो, शायद 10 सॉल्यूशन आ रहे होंगे, 10, अच्छा नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं क्या? 10, अच्छा नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे, ठीक है, ये सबसे होना चाहिए था क्वेश्चन, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में ये टॉपिक है बट अभी डिलीटेड है, इससे नहीं पढ़ा तुमने स्कूल में, वैसे तो वहाँ बहुत बहुत ही क्वेश्चन होते हैं, इतने लेवल तक नहीं होते हैं, बट स्टिल ये तो दे सकते थे स्कूल वाले भी। चलो सेवेंथ के बाद सेवेंथ के बाद तुमने ट्राई तो किया नहीं, कहाँ ट्राई किया, दिखा रहा लॉग वाला छोड़ के देख, मतलब कहाँ ट्राई किया है, ये हेडिंग पड़ी है, हाँ ये सब कहाँ,
एक नाइन्थ का एक क्या 13 फोर्थ तो मैंने अभी फिर एक सेंटर अच्छा और ठीक है ठीक है गुड। हाँ क्या कौन सा यही क्वेश्चन कुछ और है तो एट है मैंने पढ़ा कहाँ भी एट क्वेश्चन पढ़ने तो तुम्हारे वहां पे सड़े पढ़ूंगा कुछ गलत नोट कर लिया हो तो ठीक है ठीक है। ये क्या है अच्छा रूट से बैठो वेरी नाइस। ये क्या है ये कहाँ से आया अच्छा अच्छा डिवाइड किया ओ नाइस नाइस तो आंसर नहीं आ रहा है क्या हो सकता है सही हो क्या आ रहा है आंसर टू एन पाई प्लस पाई बाई 12 मतलब सही सलूशन नहीं है घुमा फिरा के वो कन्वर्ट होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 में पहली बात तो क्वेश्चन लिखा है क्रिप्टिक वे में सिर्फ डराने के लिए सबको याद है ना लॉग वाली प्रॉपर्टीज कह रहा है थ्री जो आधी जनता तो देख के घबरा जाएगी बेहोश हो जाएगी कि ये क्या लिखा हुआ है हमसे नहीं होगा जबकि इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए लिखा गया है इस तरह से काफी लोगों को बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। चलो फोकस तो सबसे पहले देखो ये थ्री इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या पावर एड थ्री टू पावर 1/2 इंटू थ्री टू पावर दिस पावर का सा मतलब प्रोडक्ट से ही आया होगा ना तो थ्री टू पावर 1/2 रूट 3 इंटू थ्री टू द पावर लॉग बेस 3 एक्स क्या होता है ए टू द पावर लॉग बेस एक्स क्या होता है एक्स ही होता है तो सब कहानी लिखी कुछ नहीं उसका मतलब है इसका सीधा मतलब है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दैट्स इट इतना लिखा हुआ है बस वो लॉग की एक प्रॉपर्टी वो देख रहा है तुम्हें आती है कि नहीं आती है ऐसे यहाँ देखो टू टू द पावर लॉग बेस 2 जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो सीधी यही वैल्यू आ जाती है ए टू द पावर लॉग एक्स बेस ए एक्स ही होता है तो ये क्या लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 2 ठीक है इतना आसान नहीं अभी भी चलो अभी तनुष्का ने एक तरीके से किया है मुझे तो अच्छा लग रहा है वो तरीका मैं किसी और तरीके से सोच रहा था लेट्स सी अगर हम कॉस को कॉमन ले लें तो रूट 3 माइनस 1 और साइन को कॉमन ले लें तो रूट 3 प्लस 1 ये हो सकता है रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1 इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे क्या आएगा रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1 को स्क्वायर करके ऐड करो 8 आ जाएगा ना 8 का हम क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे चलो एनीवे कुछ याद आ रहा है देख के किस तरह का क्वेश्चन है किस तरह की अप्रोच बताओ उससे क्या फायदा ये देख के कुछ याद आता है पढ़ना नहीं है कुछ याद आ रहा है देख के रूट वाला जब ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स मिले तो बढ़ते हमेशा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और
रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से डिवाइड, रूट टू से डिवाइड करूंगा, इसको लिख दें साइन पाई बाई फोर कॉस पाई बाई फोर। क्या ये साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बन गया? तुमने क्या बनाया? यही बनाया ना? अच्छा एक ही बात होगी। तो ये हो गया रूट टू इंटू रूट थ्री साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स। सबको बात समझ में आई ना क्या है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी बन गया। रूट टू को मैंने लिख दिया साइन पाई बाई फोर और यहाँ रूट टू को कॉस पाई बाई फोर, तो ये बन गया ना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बैठा लो ऐसे यहां पर भी कर दिया जाए, रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई तो कर दिया और यहाँ भी बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो कि बन जाएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट टू। रूट टू पूरे में ही कॉमन है। चलो तो ये क्या हो गया, रूट थ्री साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस, क्या उसको इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स। ये कोई फॉर्म तो बना नहीं, रूट थ्री नहीं होता तो बन जाता। तुमने किससे डिवाइड किया? टू से डिवाइड किया। ये क्या किया है? सोचो भाई यहां पे क्या होना चाहिए। क्या स्क्वायर कर दिया? तो तुम्हारे एंगल सेम से, ऑलमोस्ट सेम से आ गए हैं। तुम केस बना लो, तुम्हारा आ जाएगा मेरे हिसाब से। एक बार इनको इवन ले लो, एक बार ऑड ले लो। क्या देखा नहीं है? मैंने बस जनरल फॉर्म देखा था। इससे बनाया ना तुमने? इन दोनों से ये बनाया और इन दोनों से ये बनाया। ये माइनस बार प्लस लिया है, साइन है कॉस साइन एक्स, सही है। बट तुम सेम कर सकते हो ना, बार माइनस दे लो तो सेम एंगल आ जाए, एंगल सेम होना चाहिए। स्क्वायर कर कोई फर्क पड़ेगा? सेम एंगल कर लो प्रयोग कर। बताओ भाई क्या होना चाहिए? एक मिनट, गलती हो गई है, गलती हो गई है। रूट टू कैंसिल किया तो वन बचेगा ना राइट साइड में, जीरो थोड़ी बचेगा। बातचीत करते रहते हो, ध्यान नहीं देते तुम लोग। चलो इससे कुछ फायदा हुआ अपने को? तो कोई खास फायदा दिख नहीं रहा है मुझे। अगर एंगल सेम होता तो बात बनती, लेकिन एंगल सेम तो बन नहीं पा रहा है। कॉस ए बना दे तो कॉस ए माइनस भी बचता, लेकिन यहाँ कॉस ए प्लस भी बन जाता। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं यार ये रूट से परेशान कर रहा है।
अरे तो उसको दूसरे फॉर्म में लिखने से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, हटा थोड़ी वो। अगर रूट थ्री नहीं होता तो साइन माइनस साइन भी लगा देते और फिर कुछ हो जाता, लेकिन ये रूट थ्री कैसे हटेगा? बातचीत नहीं करो कभी, ध्यान कभी एक आध बार हेल्प भी कर दिया करो। टाइम वेस्ट हो रहा होता है, तुम अपना बातों में लग जाते हो कि चलो टाइम पास हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत नॉर्मल सा कुछ मिस हो रहा है अपने से, ध्यान से देखो कुछ ना कुछ मिलेगा। शुरुआत में अच्छा नहीं, एंगल अलग है ना, कैसे फर्क पड़ेगा? लेफ्ट में लेफ्ट में मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया है ना, ये मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड किया, साइन पाई फोर वन बाई रूट टू ही तो है। कराऊंगा मैं इसको, देखिए एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी ऐसे ही था जो मैंने कहा था कराऊंगा। कौन सा क्वेश्चन था वो? हो गया था क्या वो? अच्छा हाँ, बाद में याद आ गया, इसको मार्क कर लो, वैसे बेसिक सी चीज है, देख लेंगे फिर। अगला डाउट बोलो, एट्स के बाद एट्स के बाद टेन। बट टेन तो बहुत आसान है, कितने नंबर से हो गया? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो ये क्वेश्चन हो जाता क्या? तो पाई एक नंबर ही तो है, साइन टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स तो हो जाता, तो फिर पाई एक्स में क्या ऐसा आ गया है? कह रहा जनरल सॉल्यूशन बताना है, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन साइन पाई एक्स प्लस कॉस पाई एक्स इक्वल टू जीरो। बहुत ही आसान सवाल, साइन पाई एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई एक्स, जो कि बन जाएगा क्या बन जाएगा? टैन पाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब टैन माइनस पाई बाई फोर। जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया? पाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर, तो अल्टीमेटली माइनस पाई बाई फोर हो गया और एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एन माइनस वन बाई फोर। ठीक है, अब कह रहा वो सारे सॉल्यूशन का सम बताओ जो कि जीरो से हंड्रेड के बीच में है। तो n की वैल्यू नेगेटिव तो डालेंगे नहीं, क्योंकि और नेगेटिव ही आएगा। n की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 बाई 4 है 0 से 100 के बीच में। अगला 2 माइनस 1 बाई 4, बेसिकली सिग्मा करना है इसका 1 से लेके 100 तक का, कह सकते हैं सिग्मा से काम चल जाएगा इसमें। हमसे जो पूछा गया है क्या वो हो गया? सिग्मा n
माइनस सिग्मा वन बाई फोर, एन की वैल्यू वन से हंड्रेड आ रही है, मान रहे हो सब लोग भाई? एन को वन डालोगे तो वन माइनस वन बाई फोर, टू डालोगे तो टू माइनस, बेसिकली एपी बन रहा होगा। जिसको सिग्मा अच्छे से समझ आता है वो डायरेक्टली समझ जाएगा, सबको ऐड करना है, एन की वैल्यू वन से लेके हंड्रेड डालनी है। तुम कुछ वैल्यूज भी डाल के देख लोगे तो वो एपी बन जाएगा, वो भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ऐसी एपी बन जाएगी जो कि आराम से ऐड की जा सकती है 100 टर्म्स का सम। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये हो गया, कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म्स 100 हो जाएगा। सिग्मा एन, सिग्मा एन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो 100 इंटू 101 बाई 2, और 1 बाई 4 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 100 टाइम्स, तो 25 हो गया। बस निकाल लो आंसर, ये भी याद रखा करो, 5050 होता है ये, माइनस 25, 5025 आना चाहिए, आ रहा है, आ रहा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल होना चाहिए था, ढंग से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगला डाउट, अगला डाउट, किसने किए हैं टेंथ के बाद में, कितनों ने ट्राई किए हैं तनुष्का के अलावा, दो लोग हैं, पूछो। ट्वेल्थ नहीं हुआ, ट्वेल्थ कह रहा है फाइंड द जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच क्वाड्रेटिक इज स्क्वायर ऑफ लीनियर फंक्शन। कोई क्वाड्रेटिक अगर किसी लीनियर फंक्शन का स्क्वायर है, दैट मीन्स कोई क्वाड्रेटिक अगर लीनियर फंक्शन का स्क्वायर है, मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब ये तो बच्चा बता सकते, ये बच्चा बता सकता है, क्लास सिक्स वाला बच्चा भी, अगर उसको क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया जाए। बिल्कुल, अगर क्वाड्रेटिक पढ़े स्क्वायर तो इक्वल रूट्स नहीं होंगे उसके, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। अब यही है कॉन्सेप्चुअल, किसकी कितना स्ट्रांग है कॉन्सेप्ट वाइज, तो बेसिकली इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए, बस डी इज इक्वल टू जीरो कर दो, तो ये हो गया बी स्क्वायर, मतलब फोर कॉज, नहीं फोर साइन स्क्वायर थीटा, फोर कॉज स्क्वायर थीटा, माइनस फोर ए है साइन थीटा, और फिर साइन प्लस कॉज बाय टू, फोर ए सी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बस अब सॉल्व कर लो यहाँ से, तो यार फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाई टू। हाँ, कैसे किया जाए इसको सॉल्व, अरे यार साइन है तो साइन वो कर देना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, बोले मैं पहले स्टेप में ही कुछ कर सकते होंगे, इसको अगर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो
साइन इन टू कॉस का क्या होगा? हम देखो इसको बस फैक्टराइज ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं, बस ये देखना है किस तरह से फैक्टराइज करना है कि सिंपलेस्ट वे में आ जाए। वहां भी पहले स्टेप में दिख रहा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्म, तो पाई बाई फोर प्लस थीटा का फॉर्म आ सकता है, बट उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, इसमें शायद बात बन जाए। कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, लेट्स सी कॉस टू थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 कॉस टू थीटा बाई टू, ऑलरेडी बाई टू था बाई फोर हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं साइन टू थीटा बाई टू, ऑलरेडी बाई टू था बाई फोर हो जाएगा। बात समझ पाए? देखो यहां से कॉस टू थीटा बाई टू और प्लस कॉस टू थीटा बाई फोर, ये हो जाएगा 3 cos 2 θ/4, और इधर है 1/2 - 1/4, तो यहां बचेगा 1/4 और वो साइन टू थीटा बाई फोर। कॉस, लेकिन जीरो आता अगर तो बेटर होता। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, इज इक्वल टू 0, 4 कैंसिल हो गया। 3 cos 2 θ + sin θ इज इक्वल टू -1 और साइन टू थीटा। देखो आंसर गंदा सा हो तो आगे करें, नहीं तो कोई और तरीके से करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था? 12th, टेन इनवर्स 2 बोल रहा है, तो टेन थीटा की वैल्यू 2, अगर मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कर दूंगा तो 3/2, 1/2, कराऊंगा मैं इन दोनों क्वेश्चन को, कर लेना तो मैं कराऊंगा, तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना, होमवर्क नोट कर लो। इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है 2 θ वाला वे बेटर ना हो, कुछ इसमें गलत नहीं है, अभी तक कोई अच्छा सोल्यूशन आ नहीं रहा है, तो कुछ और फैक्टराइज करके भी देखेंगे। होमवर्क में क्या जेई मेंस कर लेंगे 13 questions? क्या हुआ तनुष्का? नहीं नहीं दिया था। दिया था क्या? अगर दिया भी था तब और तो मैं दे नहीं सकता होमवर्क, और कुछ पढ़ाया नहीं है अभी तो, वैसे भी किया तो है नहीं किसी ने, एक दो लोगों के अलावा। ठीक है, जेई मेंस कर लेंगे और अगली क्लास में कोशिश करेंगे। कैसे एक्सरसाइज जेई मेंस वाली तुमने किया है ना तनुष्का? कैसे एक्सरसाइज है, इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है। ठीक है, तो अगली क्लास में उम्मीद करते हैं ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, या चाहोगे तो पहले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करा लेंगे, क्योंकि वो ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, तो अगर तुम्हारा मन ना हो ट्रिग्नोमेट्री करने का तो हम नया चैप्टर कर सकते हैं, वो थोड़ा फ्रेश होगा। ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तो काफी बड़ा नाइटमेयर होगा।